हमारी चंडीगढ़ से लेकर इंडिया के वेस्ट मोस्ट पॉइंट तक जाने की जर्नी में एक बहुत ही यूनिक मंदिर था, ओम बन्ना टेम्पल। और ये मंदिर जोधपुर से लगभग एक घंटे की दूरी पर था, बट इसके पीछे भी एक बहुत मजेदार कहानी है। तो चलो आप लोग भी हमारे साथ देखो ओम बन्ना टेम्पल। हेलो जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज आए हैं ओम बन्ना टेम्पल, जो कि राजस्थान में है, बहुत फेमस है। और ये जो पड़ता है, बेसिकली हम एक ट्रिप कर रहे हैं चंडीगढ़ से लेकर बेस्टेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो उसी रास्ते बीच में पड़ता है और ये काफ़ी फेमस टेम्पल है। नहीं पता तो मैं एक बार आपको टेम्पल दिखा देता हूँ और पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ इस टेम्पल की। अब हमारे ट्रिप के दौरान स्पेशली हमने इस जगह पर रुकने का प्लान बनाया, पर क्यों? क्योंकि ये मंदिर अपने आप में बहुत यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर बुलेट बाइक को पूजा जाता है, तो ये चीज इस मंदिर को दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर बनाती है, जहाँ पर एक बाइक को पूजते हैं। खैर, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं आपको थोड़ी देर में सुनाऊंगा। और यहाँ पर उनकी भी फोटो थी जिनकी ये बाइक थी, श्री ओम बन्ना जी, और इन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया। और साथ के साथ एक और बड़ी चीज जो यहाँ पर मैंने देखी कि यहाँ पर शराब भी चढ़ाई जाती है। भाई मैंने तो आज तक कहीं नहीं देखी ऐसी चीज, और आई एम श्योर आप लोगों को भी मेरी तरह हैरानी हो रही होगी ये सब देखकर। तो इन चीजों को देखते हुए मेरा तो मन कर गया भाई अपने ट्रिप में इस मंदिर को जरूर इंक्लूड करेंगे अपन। क्या कहानी है इनकी? गाड़ी रात 11 बजे आती, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला वो झाड़ है जहाँ पर उनकी बुलेट टकराई थी और उनकी डेथ हो गई थी। तो इस जगह की मान्यता है यहाँ पर डोर बांधो और जो मन से मांगो वो मुराद आपकी पूरी होती है। तो भाई हमने भी डोरी ले ली है तीनों के नाम की एक एक, तो हम भी यहाँ पर बांधेंगे अभी। तो जी मत्था हमने टेक लिया और अपनी मन्नत जो है धागे के रूप में बांध दी है हमने यहाँ पर। देखो पूरी होती है कि नहीं। कि जो ओम बन्ना थे ये मतलब जा रहे थे अपनी बाइक पे, तो इनका एक्सीडेंट हो गया था। ये बात है लगभग 1988 के अराउंड, और एक्सीडेंट होने के साथ ही ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब पुलिस वगैरह वहां पर आई तो उन्होंने क्या किया, बाइक वगैरह को पुलिस स्टेशन ले गए और जो भी प्रोसीजर पुलिस का होता है वो सब फॉलो हुआ। लेकिन उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, बाइक जब वो पुलिस स्टेशन लेके आए, वो बाइक अपने आप स्टार्ट हुई और पुलिस स्टेशन से दोबारा उस जगह पे आके खड़ी हो गई। तो पुलिस वालों को बहुत हैरानी हुई, तो उसके बाद दोबारा से पुलिस स्टेशन में लेके गए उसको। तो ऐसा एक दो बार हुआ, बाद में उन्होंने इवन बाइक को शैकल्स जंजीरों से भी बांध के रखा, लेकिन अपने आप रात में क्या होता है बाइक स्टार्ट होती है, जैसे वो देखा होगा टार्जन मूवी में सॉर्ट ऑफ होता है। तो कुछ ऐसी सी स्टोरी है कि वो बार बार बाइक उसी जगह पे आके बंद आके खड़ी हो जाती थी। तो उसके बाद क्या किया, जब गांव वालों को पता लगा तो वाकई में उनको भी आसपास के लोगों को ऐसा मतलब सपनों में आए जो ओम बन्ना थे। इवन दो उस जगह से कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह होना होता था तो ये मतलब वो कहते हैं कि वो ओम बन्ना आके उस एक्सीडेंट को टाल देते थे, बचा लेते थे। तो इस वजह से यार उनकी मान्यता बहुत बन गई और वो बाइक आज भी उसी जगह पे खड़ी है, और उस बाइक के नाम पे जो है और ओम बन्ना जी के नाम पे जो है ये मंदिर बनवाया। और कहते हैं बहुत मान्यता है और यहाँ पर जो मांगते हैं तो उनकी मुराद पूरी होती है, और इस जगह पे फूल नारियल और इवन शराब तक चढ़ाई जाती है। बाकी माना ना मानना देखो यार वो आपके ऊपर है। तो मुझे इस मंदिर का पता था, मैंने सुन रखा है ये सब चीजें इसके बारे में, तो मुझे ये था कि जब भी रूट बनेगा तो इस मंदिर में जरूर जाके आएंगे। तो फाइनली वो दिन आ गया है ना, यूनिक अपने आप में। और अगर आप भी कोई ऐसा मंदिर जानते हो जहाँ पर ऐसे ही प्रथा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अब यहाँ से हम निकल चले हैं माउंट आबू के लिए, जो यहाँ से है 200 किलोमीटर और जिसको दिखा रहा है 4 घंटे के आसपास। चलो जितना मर्जी टाइम लगे भाई, गाड़ी अपनी, सड़क अपनी, बस यार तेल मांगेगी गाड़ी भाई, एवरेज दे दे थोड़ी सी, वरना ना हो पाएगा, तेरे को राजस्थान में फिलअप कराना ही पड़ेगा। यार रोड जितना सुंदर है, अच्छा है ना भाई, उतना खतरनाक भी है। ये देखो बीच बीच में भाई साहब गईये भी जो है ना मजे मजे से रोड के बीच में चली हुई हैं। अब दिन में तो फिर भी दिख जाती है भाई, रात को तो बहुत मुश्किल है। अब ये इतना प्यारे हाईवे पे जो स्पीड दोगे
तो भाई एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस रहते हैं यार। सरकार को रोड के साथ साथ ना साइड में बैरिकेडिंग भी करनी चाहिए ताकि जानवर वगैरह ना सड़कों पे ना आ पाए। अदरवाइज तो यार हाईवे तो मजेदार है। तो फाइनली अपन पहुंच चुके हैं पाली। अब पाली से हमने लेना है राइट टुवर्ड्स माउंट आबू। बीच जो है ना ये गायों वाला बोर्ड भी लगा हुआ है गायों से बच के। तो फाइनली हम NH-62 पे दोबारा से चढ़ गए हैं और ये सीधा अपने को अब लेके जाएगा माउंट आबू। हाँ जी, अपनी गाड़ी ने अपना साथ नहीं दिया, फिलहाल तेल रिजर्व में लग चुका है। तो अपने को था चलो यार थोड़ा सा तेल डलवा लेते हैं, बाकी गुजरात में जाके डलवाएंगे। तो 2000 को बोल दिया भैया को डलने को। भैया कितना रेट है यहाँ पर पेट्रोल का? 109 रुपए। भाई साहब चंडीगढ़ से 12 रुपए ज्यादा। तो नहीं भाई गुजरात ही सही है, यहाँ पर बस थोड़ा सा भरवा लें कि ये राजस्थान वाला स्ट्रेस निकल जाए, बाकी गुजरात जिंदाबाद। तो 2000 का तेल डलवा लिया है, टंकी फिलहाल आधी हो चुकी है, 350 किलोमीटर चल जाएगी, मतलब 100 किलोमीटर ऊपर 400+ किलोमीटर चल जाएगी और माउंट आबू वगैरह ये सब एरिया निकल जाएगा। तो अगला फिलअप जो आप गुजरात में कराएंगे। तो उन्हें साथ नहीं दिया, तो उन्हें बिल्कुल नहीं दिया, खूब तेल भी है बेटा भर भर के, ऐसी चलती रहे लेकिन रुकी हो मत। और ये यार पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया आ गया और ये पहाड़ियां ना सच बताऊं याद दिलाती है मनाली की। जब मनाली के रास्ते में जाते होते हैं ना ऐसी ही पहाड़ियां बिल्कुल साइड में दिखती हैं और ऐसा ही प्यारा रोड दिखता है। बट यार इस बार तो मनाली की भाई नेचर ने बहुत बुरी हालत कर दी। बट आई होप जल्दी यार वो ठीक हो जाए मनाली और अपने को भी वहां जाने का मौका मिले। मतलब ठीक इन द सेंस कि पूरी तरह से अपने जैसे पुराने उसमें खूबसूरती थी उसकी वही चीज वापिस आ जाए तब। और अभी जो हम ये वाला एरिया क्रॉस कर रही है सारा जवाई का एरिया है। मेरा जवाई आने का काफी टाइम से मन है यार, यहाँ लेपर्ड सफारी होती है, लेपर्ड स्पॉटिंग होती है, ये सब चीजें हैं। तो प्रॉपर एक जंगल वाला एरिया, जंगल सफारी प्रॉपर तरीके से होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा आने का मन है, बट कोई चक्कर नहीं, यहाँ का भी प्लान करेंगे कभी। और लोकेशन की बात करूं तो ये जवाई जो है उदयपुर से लगभग 100-150 किलोमीटर पहले पड़ता है। मजेदार उदयपुर हमेशा जाते हुए है ना, दूसरे रास्ते भी जाते तब भी आती है, इस रास्ते जा रहे तब भी टनल है। तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं स्वरूपगंज और यहां से जो माउंट आबू दिखा रहा है 42 किलोमीटर और दिखा रहा है और धूप इस टाइम बिल्कुल सामने मुंह पे आ रही है। बट एनीवेज अभी तक का रास्ता बहुत अल्टीमेट था, स्मूथ रोड था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं था, बीच बीच में जो हिली एरिया आया था वहां ट्रैफिक था। और अगर एवरेज की बात करूं भाई अपनी गाड़ी 12.6 की एवरेज दे रही है, पेट्रोल ऑटोमेटिक XUV 12.6 यार डबल फिगर में देखिए इतना अच्छा लगता है ना, वरना भाई सिंगल डिजिट देख देख के भाई जो दिल रोता है ना, जो किलस मस्ती है ना भाई, ये दर्द ना सिर्फ पेट्रोल ओनर जान सकता है। और एक और अपडेट ये देखो यार, कई भाई पूछते थे कि आपकी गाड़ी में यार ब्रेक नॉइज कैसी है। मैं जब इसका एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था गाड़ी का तो उसे मैंने बताया था कि मेरी यार ब्रेक से आवाज आती है। उसका महिंद्रा ने एक्शन लेते हुए कुछ इसमें चेंजेस किए भी थे बट तब तो बंद हो गई थी, लेकिन अब फिर से सुनो ये सीटी मारती है भाई, अपनी गाड़ी सीटी मारती है ये। तो ये आवाजें हैं यार इसकी जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रही, ये सुनो तो इतनी लाउड होती है आवाज, ये जब भी इस ब्रेक मारो पी आवाज मारती है लंबी सी और इतनी लाउड होती है भाई बगल वाली गाड़ियों वाले लोग भी देखते हैं। तो ये चीज यार मेरे हिसाब से सिर्फ मटेरियल का कुछ फर्क है, इनके जो डिस्क पैड है उसका मटेरियल शायद चेंज करना चाहिए महिंद्रा को, उसके बाद शायद ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो। तब तक तो भाई सीटी मार रही है अपनी गाड़ी। और इवन कोई मेरे साथ जब अंदर ही बैठा होता है ना वो बोलता है भाई आपकी गाड़ी में ब्रेक में से आवाज आ रही है, मैं तो ये बोलता हूँ ये नहीं फीचर है, जब ब्रेक मारो ना पता लग जाता है आसपास वालों की ब्रेक बज रही है, फीचर है फीचर है। क्या करें भाई, क्या बताए लोगों को, डिफेक्ट है नहीं डिफेक्ट है अपनी गाड़ी में यार कोई नहीं बताना चाहेगा। हाँ मैं मान दो डिफेक्ट है, बट मजाक मजाक मैं तो यही बोलता हूँ कि नहीं यार अपनी गाड़ी का एक्स्ट्रा फीचर है यार, इनको घुमाने के लिए इनको सड़क ही मिलती है क्या? NH बताओ देखना, ओ भाई साहब इतने बड़े बड़े सिंगो वाली यार मेरी गाड़ी मत छील दी है, बाकी सब ठीक है। मेरी गाड़ी भाई साहब बचा के। अरे गरीब आदमी हूँ साइड से निकल लो।
छोटे छोटे सिंगों वाला सर टेंशन नहीं है, बड़े बड़े भाई साइड को निकले होते हैं ना, समझ नहीं आती उनको यार, पता लगता होगा कि नहीं और के छील दे। तो फाइनली हमने ऊपर हाईवे को छोड़ दिया है और यहाँ से जो रास्ता मुड़ रहा है माउंट आबू के लिए, हालांकि कोई बड़ा बोर्ड नहीं था वहां पर, छोटा सा एक बोर्ड लगा रखा था इन्होंने, वो लिखा हुआ बस, ये इतना सा छोटा, ये दिखाऊं, ये देखो माउंट आबू इतना सा बोर्ड। तो ये मस्त है यार, जंगल वाला एरिया आ गया और चढ़ाई है यहाँ पर। तो यार जैसे ही नाम है माउंट आबू, तो ये एक राजस्थान का हिल स्टेशन की तरह है, सेम जैसे आप लगा लो कि मुंबई के लिए लोनावला है, वैसे ही माउंट आबू है। और सिंस माउंट आबू एक हिल स्टेशन है और ये इसकी हाइट लगभग 4000 फीट है सी लेवल से, और ये अरावली हिल्स में आता है। तो यार बहुत ही प्यारी जगह है, मैंने देखो सच्चाई बताऊं मैं आज तक यहाँ नहीं आया, हमेशा जब भी उदयपुर आता था ना प्लान बनता यार चलो माउंट आबू जाके आते हैं, बस बन ही नहीं पाया, इसलिए मैंने इस बार सोचा था कि इस बार राजस्थान जा रहे हैं, उदयपुर को थोड़ा स्किप करके शायद हो सकता है वापसी में हम उदयपुर जाएं, लेकिन माउंट आबू तो भाई जाना ही जाना है। तो कहां आज हम सैंड में थे और एकदम से पहाड़ों पे ग्रीनरी में आ गए, तो दुनिया ही पलट गई बॉस। कलीना दीदी मेरे को कह रही थी कि यार ऐसे ट्रिप बनाया करो, प्लेन में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इस पूरे ट्रिप का ये छोटा सा पैच ये था जो पहाड़ी इलाका था, इसमें निधि बोल गई मेरे को तो वोमिट वोमिट फील हो रहा है। मैं तो अपनी तरफ से देखो प्लेन में लेके आया हूँ, ये थोड़ा सा पैच है यार, इतने में कंट्रोल रखो, इतने में तुम वॉमिट कर लोगे फिर तो क्या फायदा। हे भगवान क्या होगा इन ट्रैवलर्स का, ऐसे ट्रैवलर्स हुए तो भाई साहब कहीं नहीं जा सकते फिर तो। अब यार ये वाले पेड़ देख के ना, ये पाम ट्रीज देख के गोवा गोवा वाली फील आ रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाका खत्म हो गया, लगभग सा प्लेन आ गया और ऊपर से ये पेड़, ओए होए गोवा। ये मेरे ख्याल से एंट्री गेट आ गया है, हाँ जी भैया एंट्री है, कितनी है, हाँ जी फास्ट है। और इसी के साथ अपनी माउंट आबू पे स्वागत होता है। सो जी वो है नक्की लेक और उसके बिल्कुल सामने हमने जो स्टे लिया हुआ है, और ये है अपना रूम, अभी छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ मैं। तो जी ये अपना छोटा सा रूम यहाँ पर जिस आज हमारा स्टे है, ये सिटिंग एरिया आ गया, ये छोटा सा कबर्ड आ गया, छोटा सा बेड आ गया, छोटा से पर्दे आ गए और छोटा सा वॉशरूम आ गया। छोटा है बट क्यूट है, बहुत प्यारा है और सबसे प्यारी है इसकी लोकेशन। तो जी आज का अपना स्टे है यहाँ पर, हमने गाड़ी फिलहाल यहीं लगा दी है और इसके बिल्कुल 2 मिनट्स वॉक पे ही जो है नक्की लेक है। तो बेसिकली हमने यार बुकिंग इसी तरह से कराई थी कि इसके पास से पास मिल पाए, क्योंकि ये बहुत अल्टीमेट जगह है। अल्टीमेट तो क्या है, वही चीज़ है जैसे नैनीताल में लेक है, उसकी इंपॉर्टेंस है, इसके आजू बाजू सारा माल रोड है, तो उसी हिसाब से कराया था कि बहुत ज़्यादा दूर तक जाना ना पड़े। चलो पहले मछली को दे दो आटा, दिख भी रही है, दिख ही नहीं रही है। तो लेक के पास यार काफी ज्यादा रश था, मैं थोड़ा सा साइड पे आया था कि चलो यार इसका ना ड्रोन शॉट कैप्चर करने, क्योंकि सनसेट होने वाला, टाइम अपने पास है नहीं, तो फटाफट ये कैप्चर करते हैं, थोड़ा सा आइसोलेट हो गया था मैं। चलो फटाफट लेते हैं ड्रोन शॉट और आप भी इंजॉय करो। सामने जो है ये सारी मॉल रोड है, मजेदार यार, ये ऐसे मॉल रोड घूमने के लिए, और मौसम इतना अच्छा हो ना और लेक सामने हो, भाई घूमने का अपने आप से मन करता है। पकड़ लियो पकड़ लियो। थैंक यू।
चलो बैठ दो, रुक जाओ। और अयाज जी हमारे स्पा कर रहे हैं, डाल दे पैर। गुदगुदी होगी और क्या बस। हाँ जी ये मोटिवेट कर रहा है इसको। तो भाई एज यूजुअल अपने को फ्रिज मैग्नेट फाइनली मिल गया यहाँ पर, तो एक हम ये लेंगे अपनी कलेक्शन के लिए। बड़ी मुश्किल से मिला है क्योंकि हमारी आदत है यार, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं ना, वहाँ की एक मेमोरी हम ले लेते हैं मैग्नेट के रूप में। सिर्फ फ्रिज मैग्नेट ही खरीदते हैं। हाँ, फ्रिज मैग्नेट, सिर्फ फ्रिज मैग्नेट, दैट्स इट। बाकी अंशुल हमें अलाउ नहीं करते क्योंकि एमी बदनाम कर रही है, कुछ नहीं है ऐसा, भर भर के शॉपिंग करते हैं दोनों। कुछ भी नहीं लेते, कभी भी नहीं। तो जी अब हम पैदल पैदल ना ये अहमदाबाद की तरफ जा रहे हैं। नहीं नहीं, अभी निधि ने यार मैप्स निकाले हैं, कुछ खाने की जगह है यहाँ, अच्छी जगह है, कोई 3 मिनट वॉक पे है, देखते हैं क्या जगह है। निधि लेट्स सी। तो अच्छी जगह ढूंढते ढूंढते हम आ गए हैं चाचा कैफे। चलो क्रॉस करें पहले। तो जी ये है बड़ी हैपनिंग जगह, तो फिलहाल जी वापस आके हम बैठ गए हैं माउंट आबू की लेक के पास, और अभी शाम को हमने पूरा माउंट आबू का जो मॉल रोड है वो एंजॉय किया, खाया पिया शॉपिंग की, और अब थके थोड़ी देर अब यहीं स्पेंड करेंगे और लास्ट में रूम पे जाके सो जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी हमें निकलना है अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए जो है रन ऑफ कच्छ। और आपको जो सीनिक ब्यूटी वहाँ देखने को मिलेगी ना भाई, नेक्स्ट लेवल। सो वीडियो अच्छी लगी तो डू गिव इट अ लाइक, और चैनल पे न्यू तो डू सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।